खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। एनसीपी सांसद सुनील तटकरे ने कहा, शिवसेना कुछ भी कहे, मुख्यमंत्री कौन होगा ये शरद पवार ही तय करेंगे। शिवसेना ने भी दिखाए तेवर, शिवसेना विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे बोले, सारे निर्णय तो उद्धव ठाकरे करेंगे। शिवसेना के साथ सरकार बनाने के सवाल पर बोले शरद पवार, अभी बताने लायक कुछ नहीं है। शिवसेना चाहती है उद्धव बने मुख्यमंत्री, संजय राउत ने कहा, 1 दिसंबर तक सरकार बनाने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में शिवसेना के साथ सरकार बनाने के फैसले पर सोनिया गांधी ने आज मुहर लगा दी। बीजेपी की सहयोगी आरपीआई के रामदास आठवाले बोले, शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन अप्राकृतिक है। शिवसेना सांसद राजेंद्र गावित ने संसद में आज वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग उठाई। इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक पार्टियों को चंदे पर दोनों सदनों में हंगामा हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने आरबीआई को दरकिनार कर खुद के फायदे के लिए ये योजना लागू की। कांग्रेस सांसद थरूर बोले, इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई सत्ताधारी दल को चंदा देगा तो सरकार में दखल भी देगा। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर कोई भी शख्स, कंपनी या संस्थान राजनीतिक दलों को दे सकती है चंदा। आरबीआई को इस योजना पर कुछ आपत्तियां हैं। बंदरों के आतंक का मुद्दा संसद में उठा। हेमा मालिनी बोली, मथुरा में लोग बंदरों को जूस पिलाते हैं, इसलिए है दिक्कत। चिराग पासवान ने कहा, कटते जंगलों से बंदर हो गए हैं बेघर। हवा पानी पर केजरीवाल को घेर रहे बीजेपी के विजय गोयल मास्क लगाकर साइकिल से संसद पहुंचे। साफ पानी के मुद्दे पर दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ कई जगह पोस्टर लगे, जल बोर्ड पर सवाल उठाए। गंदे पानी की बोतलें लेकर बीजेपी नेताओं ने सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। मिशन झारखंड पर अमित शाह ने उठाया राम मंदिर का मुद्दा। लातेहार की रैली में बोले, कांग्रेस मंदिर के खिलाफ थी, सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाया विवाद। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ बोले, ममता के मंत्री रोज सुबह उठते ही मुझ पर करते हैं जुबानी हमले, मैं क्रिकेटर नहीं अंपायर हूँ। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में केरल विधानसभा से विपक्ष का वॉकआउट। रेप केस में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं छात्र। ओडिशा विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने आज जमकर हंगामा किया, खदान माफिया और किसानों को लेकर हुआ प्रदर्शन। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग में मुस्लिम प्रोफेसर की नियुक्ति पर विवाद जारी, शिक्षा मंत्रालय ने कहा ये विरोध गलत है। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा को रक्षा मामलों की संसदीय समिति में शामिल करने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। यूपी के बस्ती में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुगर मिल का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में नेशनल हाईवे पर आईईडी विस्फोटक मिला, बम निरोधक दस्ते ने विस्फोटक को हटाया। कर्नाटक में एक बुजुर्ग दंपति ने तालाब में कूदकर इसलिए जान दे दी क्योंकि लोन नहीं चुका पा रहे थे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर अब भी बहुत खराब वाला। आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान बोले, खेती होगी तो पराली जलेगी ही। बीजेपी बोली, केजरीवाल को प्रदूषण की चिंता नहीं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बर्फ में दबे मुगल रोड को खोलने का काम जारी, क्रेन से हटाई जा रही है बर्फ। हिमाचल के धर्मशाला में पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यूपी के पीलीभीत में वेल्डिंग करते वक्त एक ट्रक में आग लग गई, ट्रक का ड्राइवर बाल बाल बचा। कर्नाटक के शिमोगा में कुछ लड़कों ने एक प्रेमी जोड़े को बुरी तरह पीटा, वीडियो वायरल, 8 पर केस दर्ज। अहमदाबाद में बस ने मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को कुचला, दोनों की जान गई। भोपाल में रेलवे समिति के चेयरमैन ने खुशवंत सिंह के नोवेल को अश्लील बताया, रेलवे स्टेशन के बुक स्टॉल से हटवा दिया। राजकोट में शराब घर पहुंचाने के आरोप में जोमेटो का डिलीवरी बॉय गिरफ्तार, गुजरात में बैन है शराब।
भारत को 6000 करोड़ रुपए में 13 MK-45 बंदूक देगा अमेरिका। समंदर में दुश्मन को जवाब देने के लिए युद्धपोत पर तैनात होंगी। इसरो ने कार्टोसेट 3 की लॉन्चिंग तारीख बदली, 25 नवंबर की जगह अब 27 नवंबर को लॉन्च होगा। कल कोलकाता में टीम इंडिया इतिहास में पहली बार पिंक गेंद से टेस्ट मैच खेलेगी। बांग्लादेश के खिलाफ डे नाइट टेस्ट है, कोहली बोले वेरी एक्साइटेड। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति गोताबोया राजपक्षे ने अपने भाई महिंदा राजपक्षे को पीएम नियुक्त किया, महिंदा राजपक्षे ने शपथ ली। इटली में खराब मौसम की मार जारी, कई इलाकों में बाढ़, फ्लाई ओवर पर भी पानी भर गया। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में जंगलों की आग बेकाबू, 1000 दमकल कर्मी बुझाने में जुटे हैं, 90 प्लेनों से गिराया जा रहा है पानी। अमेरिका के न्यूजर्सी में एक कार पटरी पर आ गई, ट्रेन में मारी टक्कर, टक्कर से पहले ड्राइवर ने कार से कूदकर बचाई जान। अयोध्या से नेपाल के जनकपुर के लिए निकली भगवान राम की बारात, 1 दिसंबर को होगा भगवान राम का प्रतीकात्मक विवाह।